हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं KED वर्सेज NES के बीच में होने वाले 7th T20 मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें दोस्तों, इन लीग का नाम है सुखान मलेशिया T20 2022 का लीग है। डेट एंड टाइम की बात करें 11:30 बजे खेला जाएंगे। पिच बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, एवरेज को 90 से 110 रन तक बन सकता है। वेन्यू की बात करें, UKM YSD क्रिकेट ओवल बंगी मलेशिया में खेला जाएंगे। इसके बाद जो मैचेस है दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीम के स्टैट्स में बताऊँगा। कैडा टीम के लिए आपको यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे किसको पिक करना चाहिए। इसी प्रकार नाइजेरी सेम्बिलान के यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे कौन आएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया। एक बार जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज़ यहाँ पर कवर किया जा रहा है, एक कबड्डी और दूसरा क्रिकेट भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर मेन मोटो क्रिकेट है दोस्तों, अभी कबड्डी का सीजन भी चल रहा है तो कबड्डी भी हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी प्रकार आपको रैंक वन टीम भी मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कबड्डी क्रिकेट दोनों क्लीन स्वीप जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कबड्डी का मैच है, क्रिकेट का मैच है। तो दोस्तों, आपको हमेशा की तरह मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप मेरे टीम के साथ आप हेड टू हेड और इसके साथ साथ दोस्तों आप थ्री स्पॉट्स अगर आप मेरे टीम के साथ खेलते हो तो दोस्तों आप हमेशा विनिंग में रहोगे। आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं सारे लॉसेस यहाँ पर कवर कर दूंगा, पर अगर हेड टू हेड थ्री स्पॉट्स अगर आप मेरे टीम के साथ खेलते हो, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो क्या करना है इसके लिए, तो दोस्तों टेलीग्राम पर आपको जाकर इस तरह सर्च करना है, @शत्रुघ्न मेरा चैनल का नाम है दोस्तों 225, इस प्रकार आप सर्च कीजिएगा। इस प्रकार सर्च करते दोस्तों आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1300 यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कुछ यूजर्स है दोस्तों मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे हैं। इससे आप दूर रहिएगा, इससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लेट नहीं करते, सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, प्लेयर्स की स्टार्ट क्या होगा। तो यहाँ पर केडा टीम के लिए अब बात किया जाए तो यहाँ पर दो विकेट कीपर है, मोहम्मद इरफान है दोस्तों। यहाँ पर मोहम्मद इरफान 23 मैच में 88 रन 21 विकेट है। तो एक तरफ से देखा जाए तो कन्फर्म हो गया कि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पर मोहम्मद नूर इजुद्दीन की बात करें, 5 मैच में 16 रन 4 विकेट। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर बाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किस प्लेयर को लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर पॉइंट्स की और फॉर्म की देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोहम्मद इरफान एक अच्छा प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन में दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद अराज अजमी है, यहाँ पर 57 मैच पर 208 रन 51 विकेट्स है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है। उसके बाद मोहम्मद इस्मा हजिक बिन इस्माइल की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है दोस्तों, 20 मैच में 18 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं पुटेरा डैनियल इस्मा बिन इसक, अगर इनकी बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है, 21 मैच में 97 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही बैट्समैन को कंफर्म करूंगा, मोहम्मद आरएस अजमी को। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे देखा जाए तो यहाँ पर एडम मलिक इस्माइल है दोस्तों, यहाँ पर 42 मैच में 140 रन 24 विकेट है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है। मोहम्मद अक्रम मलिक की बात करें, 95 मैच में 1397 रन 82 विकेट है, और यहाँ पर इनको आप ले लीजिएगा टीम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अजरी बिन अब्दुल्ला की बात करें, 9 मैच में 19 रन 7 विकेट है। तो दोस्तों जो पहले दो ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आदम मलिक आप चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अकरम मलिक और यहाँ पर अजरी बिन अब्दुल्ला, इन दोनों को आप अपने टीम में ले लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरिफ यूसफ है कैप्टन, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ स्पिन बॉलर है, 126 मैच में 980 रन 108 विकेट है। डार्विश बहरेन की बात करें, 86 मैच में 235 रन 39 विकेट है। तो दोस्तों ये पार्ट टाइम बॉलर जैसे लग रहे हैं। और सायरी श्यामल सारी की बात करें, 84 मैच में 629 रन 59 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला और तीसरा बॉलर दोनों को आप कन्फर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक टीम स्टार्ट्स देखने के बाद इसी प्रकार नाइजेरी सेम्बिलन के देख लेते हैं। तो यहाँ पर विकेट कीपर पे फारिस इस्कांदर है, 49 मैच में 728 रन 3 विकेट है। तो दोस्तों ये विकेट कीपर सबसे अच्छा होगा। उसके बाद बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बाहरीन है, अगर इनकी बात करें 43 मैच में 614 रन 26 विकेट है, पिक कर लीजिएगा। अमर युसरी की बात करें, 47 मैच में 413 रन 43 विकेट है। मोहम्मद हाजिक 31 मैच में 156 रन 20 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। तो देखा जाए तो ये दोनों यहाँ पर तीनों यहाँ पर बैट्समैन मुझे अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। ऑलराउंडर्स पर बात करें दोस्तों, हादिफ इरवान है, 34 मैच में 237 रन 34 विकेट है। और यहाँ पर मोहम्मद ईसा मोहामिन का बात करें, 57 मैच में 177 रन 53 विकेट से। तो दोस्तों ऑलराउंडर्स पे देखा जाए, दो ऑलराउंडर है, इन दोनों ऑलराउंडर्स को हम टीम में लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो दोस्तों स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पर फारकुल फायरोज है दोस्तों, यहाँ पर 26 मैच में 78 रन 22 विकेट है। डैनियल हवारी यहाँ पर 49 मैच में 169 रन 5 विकेट है, अवॉइड कीजिएगा। मोहम्मद यूसफ 21 मैच में 73 रन 24 विकेट है, ले लीजिएगा। मोहम्मद हरफान 42 मैच में 97 रन
भी 32 विकेट ले सकते हो, लेकिन आपके आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर है, लेकिन ये दो बॉलर फकरुल फायरोज और यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ, इन दोनों को आप टीम में ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम की स्टैट्स सब कुछ देखने के बाद अब आपको मैं फाइनल टीम दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए फाइनल टीम मैं बना के रख चुका हूँ। यहाँ पर इजुद्दीन है दोस्तों विकेट कीपिंग पे, इनको मैं कंफर्म नहीं कैंसिल कर रहा हूँ। फारिस इस्कंदर को यहाँ पर विकेट कीपिंग पे चेंजिंग कर रहा हूँ। बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद आयमान है, आरएस अजमी और यहाँ पर एस खान है दोस्तों, साद खान। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स में ये मलिक इस्माइल, हज इरवान है दोस्तों। यहाँ पर गेंदबाजी में फायरुज यूसुफ शामिल और यहाँ पर हवारी है। तो दोस्तों ये जो टीम है ना, पहले इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कैप्टन पे आपको आर एस अजमी और यहाँ पर मलिक इस्माइल है दोस्तों। तो ये जो टीम है, पहले इस टीम को सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों। एक बार जाके लिंक पर क्लिक करना, एक बार लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, आपको वहीं पर फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स दिया जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मैचेस है दोस्तों उसको भी कवर करूंगा, कबड्डी भी कवर करूंगा दोस्तों, इसके साथ साथ क्रिकेट भी सारे मैचेस कवर होते हैं। क्रिकेट तो हमेशा कवर करते हैं दोस्तों, कबड्डी अभी अच्छे चल रहे हैं दोस्तों, कबड्डी में मैं कवर करूंगा, अच्छी विनिंग भी जा रहे हैं। तो आप रेडी रहना दोस्तों विनिंग के लिए, एंड आपके सारे लॉसेस हेड टू हेड थ्री स्पॉट के साथ मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को दोस्तों। इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।